वालारल कश्मीर मथा कारे कानून जरिए भारत के नाजायज कब्जे खिलाफ जैकबाबाद में अगुणे वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियाँ सुमरो की हिदायतों से शहीद अलाबक सुमरो पारिक खां मलिया सुमरो की अगुवाणी में रैली कढ़ी वही जैमें मजदूर शेरी इताज के सदर हाजी गुलाम नबी रिंद आपसा के जिले सदर हाजी गुलसन सुमरो सनावला सुमरो काउंसलर मोहम्मद अजीम सुमरो बाबे रसूल बख्श टालाणी वडेरो बचल सुमरो इमरान सुमरो समेत सिविल सोसाइटी जहा सवे मानू शरीक थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रस्तन त मार्च कंदी डीसी चौक से पौती जिते मछरल मानून भारत खिलाफ सख्त नारेबाजी कई। इन मौके ते रैली में शरीक अगुवाणन साख न्यूज से गलाइंदे चयो त रहीम अजो की रैली 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर जड़ा मुसलमान हैं उनते हिंदुस्तानी फौज काबिज थी वही ही उन्हीं कब्जे के खिलाफ अज तई वो काबिज हैं उन्हीं कब्जे के खिलाफ असा हर साल यह रैली करता हूं। कश्मीर के हड़प करना चाहे तो असा कश्मीर के हड़प करना चाहते असा मनू था असा सियासतदान करप्ट गद्दार हैं लेकिन असा जो आर्मी जिंदा है या 12 लख असो आर्मी आवी करोड़ असो आम यो कैसा बदल फौज से बदल ये सियासतदान से बदल ना अस जे असा टिटी पिटी किटी पार्टियों ठा वेठा वह कश्मीर जो नालो ना वन उनको रोजो टुटी पवो सब गद्दार हैं जी अस योम साहब मनायूं था चीफ आर्मी स्टाफ के चुनता कुरान जो वासो थी योम ए साहब कर इन पेट फाड़ नो फाड़े सके मुझे हवाले ब मू कर 12 कलाक में पैसा न वी दें तो इतने शूट कर वे जी रैली के हवाले से ये चवे तो 1947 का वी अज ताई जो सो कश्मीर से जुलम थो रहे तो अस इंडियन सरकार के भारतीय सरकार के चौदह कन खोले बुधी छो ये जुलम बंद बंद किया कश्मीर नेहतन कश्मीर से जुलम थो रहे तो 8 लख मू शहीद थी चुका हैं केतर औरतूं जो सो बेवा थी चुकी हैं केतर की लट पलान थी चुकी है अस बेन अवी धंदे बेन मुल्क के जो सो अस अपील था क्यों जो सो कश्मीर के मामले से मुदाखलत करें कश्मीर के इंसाफ फराम किया वे इंशाला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान थी रो इनशा आज कश्मीर डे पे रैली निकाली है कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती कर रहे हैं और जो जुल्म हिंदुस्तान ने ढा रखा है कश्मीर में अपनी 8 लाख फौज वापस करें और कश्मीरियों का खून कत्ल बंद करें इसलिए हम यहाँ यकजहती पे ये रैली बेगम साहबा के साथ निकली है और ये हमारा मुतालबा है इंडिया से ताकि वो दहशतगर्दी अपनी बंद करे और कश्मीरियों को अपना हक दे।